क्या है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है? आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, और मैं हमेशा कहता हूं हिंदुत्व क्या है। मैंने तो हमेशा कहा है जो मेरे पिताजी कहा करते थे, सिर्फ मंदिर में जाकर जो घंटा होती है ना, घंटा बड़ोनारा हिंदू, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमें तो आतंकवादियों को पिटने वाला हिंदू चाहिए, उसे हम हिंदुत्व मानते हैं। तो मुझे पूछा जाता है कि क्यों आप सबको साथ में चाहते हो, क्या मोदी के खिलाफ हो? मैंने कहा मोदी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तानाशाही के खिलाफ जरूर हूं। मेरी हिंदी आपके समझ में आएगी क्या? कि मराठी ज्यादा अच्छी समझोगे? दोनों समझाल ना? यालाच तर आपलं हिंदुत्व म्हणतात। जो एक दूसरे में भेद करते हैं उसको हिंदुत्व नहीं कहा जाता। इसे तो चाणक्य नीति भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कूटनीति होती है जो खुद के अपने स्वार्थ के लिए की जाती है, और कुछ लोग कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद थाने में आया हूं। आज ये सब जोश देखकर कुछ लोगों के होश तो जरूर उड़ गए होंगे, और उड़ने भी चाहिए। जिनको ऐसे लगता है कि मैं मतलब थाने नहीं, थाना और शिवसेना, और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूं। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते, अगर उससे ऊपर जाना है तो जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। राजन और राजन के सारे साथी, आप भी मेरे सामने बैठे हैं, कट्टर शिवसैनिक है, ठीक है, ये हमारी इम्तिहान है, परीक्षा है। चुनौती तो आती रहती है, लेकिन मैं चुनौती को कभी चुनौती नहीं मानता, चुनौती को मैं भी एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं। आप सब बोलेंगे अरे ये तो क्या, इसका होश ठिकाने पे है क्या, इतनी चुनौती है तो भी ये आसानी से कह रहे हूं। बिल्कुल, परीक्षा तब भी होती है जब कठिन समय आता है। जो भी लड़ने के वक्त साथ रहते हैं वही असली साथी होते हैं, वही असली सैनिक रहते हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे थे। कुछ भी कोई भी देने, जो बात आपने कही ना, 50 खोके 50 खोके, एकदम ओके। अरे जिस सरकार का जन्म ही खोके में से हुआ है तो वो क्या हमें न्याय दे दे? शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया बताओ आप? अगर मैंने कुछ किया नहीं होता तो आप यहां आते क्यों? और जो भी प्रश्न या सवाल पूछने वाले उनका उत्तर, उसका उत्तर तो आप उत्तर भारतीय ही उसका उत्तर देंगे। मैंने कभी, हाँ मेरे भी आवाज सुनाई दी, मैंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उसमें संविधान के आधार पर मैंने ली थी, और उसमें मैंने कहा था ये शपथ कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, भेद नहीं करूंगा। आपस में लड़ाई क्यों करनी है? हाँ, यहां जो कुछ मैं कर सकता था कोरोना के समय में, मैंने बिल्कुल किया, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है जो और किसी के नसीब में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मुझे अपने एक परिवार का सदस्य मानती है, मेरा सौभाग्य है। और इसमें सारे लोग आए, हिंदू तो ही है, क्या आप लोग हिंदू नहीं है? अच्छा, हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का मतलब क्या है? मैं कांग्रेस के साथ गया, हाँ गया, खुलेआम गया, आधी रात में जाकर चोरी छुपे मीटिंग नहीं की। पहले एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर किसने किया? बीजेपी के साथ तो हम थे ही 25 साल 50 साल 30 साल, शायद दुनिया के इतिहास में एकमेव गठबंधन होगा इतने साल से एक फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूती से, जोड़ से ज्यादा मजबूत जोड़ था हिंदुत्व के लिए। तो वो जोड़ वो किसने तोड़ा? पहले बीजेपी ने तोड़ा, और बीजेपी को ऐसे लगा था जैसे ये लोग गए ना गले में एक बेल्ट बांध के, नहीं मेरे गले में पट्टा, हाँ ऑपरेशन हुआ इसलिए वो कॉलर पहननी पड़ती है, लेकिन वैसे पट्टे बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा।
क्योंकि बाला साहब का खून मेरे रग में है, रगों में खून है उनका। मैं कभी लाचार नहीं हो जाऊंगा या कभी गुलाम नहीं हो जाऊंगा। मैं झुकूंगा जरूर, लेकिन वो झुकूंगा आप सारे लोग जो मेरे हिंदू लोग हैं, सारे लोग मेरे अपने हैं, उनके सामने मैं जरूर झुकूंगा, लेकिन इनके सामने नहीं। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, हिंदू तो है क्या, हिंदू तो क्या है। मैंने तो हमेशा कहा है जो मेरे पिताजी कहा करते थे, सिर्फ मंदिर में जाकर जो घंटा होती है ना, घंटा बड़ोनारा हिंदू, वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमें तो आतंकवादियों को पिटने वाला हिंदू चाहिए, उसे हम हिंदुत्व मानते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जैसे बीच में आप सारे लोगों को पता है, हमारी वज्रमुठ महाविकास आघाड़ीचा सभा झाला होता ना आपल्या, सारे गोर गरीब लोक तिकडे आले होती, सब जाति के सब सारे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, जो बेवकूफ नकली हिंदू है, उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जाकर उसमें गोमूत्र शिंपडलं। का अपवित्र झाले, माणसासारखी माणसं जमलेली त्यांना तुम्ही अपवित्र मानता, ये कौन सा हिंदुत्व है। जो हमारा हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हाथ में काम, ऐसा हमारा हिंदुत्व है। लेकिन इंसान इंसान में जो भेद करते हैं, पवित्र अपवित्र, इनका हिंदुत्व झूठा है और इनके हिंदुत्व का जो झूठा नकाब है वो हमें खींचना है, वो हमें आपल्याला तो मुखोटा फाडून काढायचा आहे। क्या है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है। आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, अरे जिस हनुमान ने एक सीता के लिए पूरे लंका का दहन किया, सीता हरण हुआ इसलिए रामायण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया इसलिए महाभारत हो गया। दुख की बात तो यही है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था तो धृतराष्ट्र बैठे थे वहां राजा, लेकिन उनकी तो दृष्टि नहीं थी, दृष्टिहीन थी। आज की सरकार वहां जो बैठी है वो क्या धृतराष्ट्र है? अपने ही देश में मणिपुर में दो महिलाओं के साथ जो किया गया वो तो सिर्फ वीडियो सामने आए इसलिए पता चला। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ये ऐसी चीजें तो ऐसे घटना तो बहुत हुई है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत हर चौराहे पर लूटी जा रही है, आपको कुछ संवेदना नहीं है? वहां की राज्यपाल महिला है, कुछ कर नहीं रही। अरे हमारे यहां जो राज्यपाल थे कैसे मस्ती करते थे, भेजो उनको वहां पे, मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, क्या इतना आसान था क्या वो कोरोना का संकट? लेकिन ऐसे राज्यपाल वहां क्यों नहीं भेजते? और मैंने तो कहा था कि जैसे जिस वक्त हमने इंडिया पूरे, मैं विरोधी विपक्ष की एकजुट नहीं मानता, जितने सारे देश प्रेमी हैं उन सारे लोगों की जो एकजुट हुई है उसका नाम हमने दिया इंडिया। तो इंडिया की भी आलोचना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, उसकी तुलना उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन। तो प्रधानमंत्री जी एक दो दिन में यहां महाराष्ट्र में आने वाले हैं, गद्दारों के साथ बैठने वाले हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए उनका सत्कार करने वाले हैं, यही हमारा हिंदुत्व है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब भी आप विदेश जाते हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक देश की शान की बात होती है, अरे अपने देश का प्रधानमंत्री देखो, कौन है बाद में लेकिन देश का है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, आप इंडिया मेरे देश को वहां जाकर रिप्रेजेंट करते हो कि इंडियन मुजाहिदीन के प्रधान सेवक बनकर जाते हो, मुझे बताओ। ये आए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहे इंडियन मुजाहिदीन, आतंकवादियों को, ऐसे होता है? इतनी आपकी सोच गिरी गई। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे, इसलिए मैं भी एक कागज पर, जैसे संजय जी ने कहा, मैं भी दो पंक्तियां लिख के लाया हूं, आज के देश की स्थिति कैसी है, खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उस वक्त जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनकी लज्जा बचाई थी, लेकिन अब कौन है, कौन बचाएगा?
जो विश्व में पूरे ताकतवर नेता है, विश्व गुरु है, महाशक्ति की महाशक्ति, महाशक्तीचा बाप, पण त्यांच्या राजवटीमध्ये महिलांची आबरू लुटली जाते, कसं त्यांची धिंड काढली जाते, कोण बचाएगा मेरे इन माता और भगिनी, जो माता और बहने उनकी इज्जत कौन बचाएगा, कौन आएगा श्री कृष्ण। और इसलिए कुछ पंक्तियां जो मला वाटतं कवि उपाध्याय, उपाध्याय जी थे, उनकी कविता है, मैं खास करके लिख के लाया हूं क्योंकि गलती ना हो जाए, पूरी कविता पढ़ने जैसी है लेकिन पूरी कविता ही नहीं पढ़ूंगा, चार ही लाइन है। और उन्होंने लिखा है कि अब द्रौपदी क्या करेगी, तो उन्होंने द्रौपदी के लिए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद आने की उम्मीद छोड़ दो, गोविंद तो बैठा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र जैसे, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खड्ग संभालने का वक्त आया है अभी, खड्ग संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, 50 को के एकदम ओके। मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्या यही हमारा हिंदू राष्ट्र और यही हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? राम मंदिर बनेगा खास कर उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदुओं के लिए बनेगा, लेकिन किसने बनाया? वो मोदी जी ने नहीं बनाया, कोर्ट के फैसले ने बनाया है। वो जब बाबरी गिराई गई थी तो ये सारे बीजेपी के लोग सारे, मैंने मेरे भाषण में कहा है कि ये सारे जितने सारे चूहे हैं ना, तो चूहे बीड़ा मरे घुसले होते भाजपा वाले, सब चूहे बाहर आए थे। तो एक पत्रकार ने चूहे को पूछा, अरे क्यों भाई आप आपके घर में नहीं, क्यों नहीं? अरे क्या करूं, वो बीजेपी वाले घुसे, बाबरी गिर गई ना, बाबरी गिराई गई तो ये सब लोग भाग गए। त्या उंदराच्या बिळात लपणारे तुम्ही, जेव्हा हवा मैं गया था वहां अयोध्या में, सारे लोग थे, राजन भी थे, संजय भी थे, और आप में से भी कई सारे लोग होंगे, मैं गया था मुख्यमंत्री होने से पहले गया था, और उस वक्त मैंने मांग की थी कि एक कानून बनाओ और राम मंदिर बनाओ, एक कानून बनाओ, स्पेशल कानून बनाओ। जैसे अभी कानून उन्होंने बनाया है, दिल्ली की जितने सारे अधिकार है दिल्ली सरकार के वो उन्होंने छीन लिए हैं, तो वैसे कानून बनाओ और राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर के लिए कानून नहीं बनाया, जनतंत्र को खत्म करने के लिए कानून बनाया, जो अभी पारित होने जा रहा है आपके लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के लिए। तो कहां गई आपकी हिम्मत, क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? मणिपुर भी मैंने कहा ना कि वहां शांति करनी है तो भेजो ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो, वापस आते ही के देखो। और शायद एक बात हो सकती है, अमित शाह जी एक बार जाके आए, दोबारा भेजो, जितने सारे वहां के जो लोग हैं दंगा फसाद करने वाले सारे बीजेपी में ले लो, मणिपुर शांत हो जाएगा। क्यों, ये तो नीति चल रही है जो मैंने बात की कि 2-3 दिन में 1 तारीख को शायद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मंच पे कौन होगा आप फोटो देखो, एक अनोखी तस्वीर होगी, अगल बगल में कौन है, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, करो ना करो। लेकिन जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, उन्हीं को लेकर आपने महाराष्ट्र की सरकार जो शिवसेना तोड़कर आपने बनाई थी, मजबूत थी तो भी और मजबूत करने के लिए उनको तोड़ा, क्यों और कोई मिला नहीं आपको, और कोई मिला नहीं? म्हणजे असं काय आहे का कि चिखल उगवायला दुसरीकडे असला तो मळ आणि भाजपाला आला की कमळ, का कमळ फुलवायला तुम्हाला मळ लागतोय? सगळे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी दिखा, तू भ्रष्टाचार कर रहा है, आजा आजा मेरी गाडी में बैठ जा, भ्रष्टाचार की गाड़ी चल रही है, तेज बुलेट ट्रेन चल रही है, भ्रष्टाचार की गाड़ी। अरे भारतीय जनता पार्टी, आप नाम लेने के लिए शर्म आनी चाहिए, ये तो भ्रष्ट जनता की पार्टी हो गई है, भ्रष्ट जनता पार्टी। क्या आपका शासन है कहां? और अभी कैसे होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इनको सारे पुराने साथी याद आते हैं, जिस वक्त अपनी मीटिंग चल रही थी इंडिया की तब उनको याद आ गया, अरे अपना भी ऐसा कुछ था ना, तो किसी ने बताया हाँ था ना, क्या नाम था उसका, एनडीए, हाँ तो चलो एनडीए की मीटिंग बुलाओ, एनडीए में कितने सारे लोग बैठे थे, सब आधे अधूरे, नहीं आधे अधूरे इसलिए कहा कि मैं भी 2 मीटिंग के लिए गया था, पूरी शिवसेना मेरे साथ, मैं आज भी पूरी शिवसेना मेरे साथ ही है,
लेकिन अब आप इतने ताकतवर हो गए तो भी आपको ऐसे तोड़ मरोड़ कर पार्टी मजबूत करने की क्या जरूरी है? मतलब आपके आप में आत्मविश्वास नहीं है, आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। क्या हमारा गुनाह क्या है? इंडिया का आपने संबंध आतंकवादियों से जोड़ा, तो क्या मैं आतंकवादी हूं? इतने सारे मेरे भाषण सुनने के लिए आए सारे आतंकवादी हैं जो आपके साथ थे, ममता दीदी थी, नीतीश कुमार थे, सारे लोग क्या आतंकवादी है? आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आपने, ये देश मतलब मेरे सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, वो है देश, यही हमारा देश है। और इसलिए हम भी भारत माता का पूजन करते हैं। भारत माता सिर्फ आपकी नहीं है, भारत माता हम सबकी है। अरे इन लोगों का तो भारत माता के वक्त, उस वक्त आजादी के संघर्ष में कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर से नहीं था। अब जो हक जता रहे ये हमारा है नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने देश से ऊंचा कोई भी होना नहीं चाहिए। मेरा देश सबके ऊपर, मेरा देश सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर कोई भी होने दो नहीं, उसके नीचे, तो देश का वासी है, नीचे नीचे, देश से ऊपर उठकर देश की पहचान किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़नी नहीं चाहिए। मेरे देश की पहचान देश करकर ही रहनी चाहिए। अगर हम बाहर जाते, आप कहां से आए? मैं भारत से आया हूं। हाँ, हिंदुस्तान से आया हूं, इंडिया से आया हूं, लेकिन हमारे यहां के गद्दार वहां कहीं गए थे तो उनको पूछा, ऐसे वही कहते एकदम सीना तान कर कहते, किसी ने उनको पूछा आप कहां से आए हो, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से आया हूं। अच्छा, मोदी के देश से? हाँ। अरे मोदी का देश क्या इन गरीब लोगों का देश नहीं है? गरीब लोगों का देश नहीं है ये देश? मेरे गरीब लोगों का है, देश की जनता का ये देश है। सिर्फ एक व्यक्ति का देश नहीं है, एक व्यक्ति कोई मालिक नहीं बन सकती। और इसलिए मैंने कई बार कहा है, अब जो एक चर्चा इनका क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो आपस में लड़ाई लगा देते, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, आपस में जाति पाति की दीवारें खड़ी करती है। आप लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे और विकास के सपने दिखाएंगे। विकास, हम विकास कर रहे, क्या किया है विकास? विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, तो क्यों हमने सबने उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। आप हमें विकास का सपना दिखाएंगे और आपका गुलाम बनाएंगे, हम मंजूरी करेंगे, हम नहीं करेंगे मंजूर उसको, हम नहीं गुलाम होंगे, हमें विकास करना है और हमारे देश की जनता काबिल है अपना विकास करने के लिए। और आते जाते किसी ने मुझे एक कार्टून बताया, विकास की बात कर रहे हैं ना, तो एक कार्टून बताया कि एक श्रीमान जी थे, वो अखबार लेकर खुशी में अखबार पढ़ रहे हैं, तो उनकी श्रीमती जी उनको कहती कि अजी सुनिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये चांद्रयान जो आपने भेजा है अपने देश ने, उसने भेजी हुई तस्वीर नहीं, ये तो हमारे शहर का रास्ता है, उसकी तस्वीर है। इतने गड्ढे पड़ गए, इतने गड्ढे है, इधर गिरे, इतने गड्ढे हैं कि चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही पे समझ में आती है कि चांद में कैसे होगा सब। और ये सब झूठी बातें, इससे अभी हमें जागते रहते सबको जगाना चाहिए। उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय, आप मुझे बताओ क्या किया है हमने आपके साथ ऐसा सुलूक कि आप जो एक साथ थे आज भी हैं तो आप अचानक थोड़े से दूर चले गए, क्यों? जो फिल्में बताया गया है ये सच्चाई है। और उस वक्त कई सारे मतलब एसटी से हमने सारे लोगों को अपने अपने राज्य में भेजा था, उनके राज्य की सीमाओं तक पहुंचाया था। मैं तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहा था कि हमें ट्रेन दे दो, उसका जो भी किराया है मैं दे दूंगा, मैं मतलब सरकार दे देगी, नहीं। और लाखों लोग जो मजदूर थे वो आ गए सड़क पर, वो जहां भी गए उनका हमने एक कैंप लगाया, डॉक्टर दिए, उनके खाने की तजवीज की, सब सारी बातें की और उनको सही सलामत उनके घर पे भेज दिया। और उस वक्त आपने देखा गंगा की क्या हालत थी, वहां अंत्यविधि भी कैसे, कुछ किसी ने किया भी नहीं, ऐसे खुलेआम मैदान में जल रही है चिता, कौन किसका क्या कोई किसी को पता नहीं, लेकिन जल रही है चिता, जल रही है चिताएं, जल रही है। ऐसी विटंबना महाराष्ट्र में मैंने एक डेड बॉडी के साथ भी नहीं होने दी।
और कभी मैंने झूठापन किया नहीं, एक आंकड़ा भी, एक भी मौत मैंने कभी छुपाई नहीं। जो है सच्चाई को छुपाओ मत, सच्चाई आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाएगी। और इन लोगों ने क्या किया, थाली बजाओ, गो करोना गो, ढोल पिटो, एक मराठीत म्हणतात ना, बेडूक उड्या मार, कोलांट्या उड्या मार, तर कोरोना जाईल। अरे कसा जाईल कोरोना, मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, क्या खोलो। और मेरी आलोचना की जाती है, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, हे फक्त कुटुंबापुरतेच आहे। हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, सब मेरा परिवार है, पूरा महाराष्ट्र मेरा परिवार है, जिम्मेदारी मेरी है और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पता नहीं आपके परिवार की जिम्मेदारी को और लेता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा परिवार है, महाराष्ट्र मेरा परिवार है और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं। और इसीलिए सारे लोग जो मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, ऐसे नहीं मानते, एक रिश्ता जुड़ा है मेरा इनसे, एक रिश्ता जुड़ा है। आज आप लोग सारे इतने उत्साह में हैं, लेकिन ध्यान में रखो, क्योंकि आज तक मैंने अनुभव किया है। हम कहते हैं कि कभी वार्ड में किसी को पूछते हैं, अरे इसका ये जो एरिया इसका क्या, साहब यहाँ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ उत्तर भारतीयों की बस्ती है। और बीजेपी क्या करती है, आरएसएस क्या करती है, उत्तर भारतीय मतलब कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, झारखंड से है, और कहाँ से है। फिर जैसे अपन मराठीत बोलतो ना, घाटावरचा, घाटाखालचा, विदर्भातला, मराठवाड्यातला, फिर ठाकोर है, यादव है, गाँव कौन से गाँव का, फिर उसके उस बस्ती में, वो बस्ती देखते कहां से आए हुए लोग हैं और वहां से किसी को लाकर आपके बस्ती में छोड़ देते हैं। और जो आपके साथ आपके गांव की बात करेगा, आपकी भाषा में बात करेगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मेरे मायके से कोई आया है, कैसे हो भैया, अरे भा सब ठीक। और जब वोटिंग का समय खत्म होता है, वो भाई साहब गायब, तो दूसरे दिन से उसके बाद में शिवसेना और हम, आप और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ये आते हैं, आपको चुनाव के वक्त गुमराह करते हैं, उनकी राह बराबर वो माप लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। इतने सारे अब जब आएंगे तो उनको पूछो कि कोरोना के संकट में आप कहां थे, कोरोना के संकट में आप कहां थे, क्या किया आपने हमारे लिए। मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया आपका अनुभव है, मैं कुछ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपका अनुभव ही बोल देगा। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बोलेंगे मेरी ओर से कि अरे आप यहां आने की जरूरत नहीं है, हम उद्धव जी के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। और अब तो जंग शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में ध्यान में रखो कि हमें लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या उसको आप कामयाब होने देंगे। आपका भरोसा जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, भले आपके घर से दूर आए हो, लेकिन क्या ये आपका दूसरा घर नहीं है, आपको यहां घर जैसी कुछ ऐसी ये बात नहीं लगती। तो जैसे वो आपका अपना घर है, वैसे आप आए हो साथ में मिलकर जो हिंदुत्व हिंदुत्व कहते हैं, उस हिंदुत्व की एकजुट हमें बताने की जरूरत है, उसी को तो कहते हैं वज्रमुठ। और आप लोग अगर साथ में आएंगे तो मुझे पूछा जाता है कि क्यों आप सबको साथ में चाहते हो, क्या मोदी के खिलाफ हो। मैंने कहा मोदी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तानाशाही के खिलाफ जरूर हूं। मैं नहीं देखना चाहता जो मेरी भारत माता है उसके हाथ और पैर में इनकी श्रृंखला फिर से एक बार पड़े। नहीं, किसी के गुलाम, मैं मेरे भारत माता को किसी के गुलाम नहीं बनने दूंगा, यही कसम हमें आज लेकर जाना है। क्योंकि उस वक्त पहले तो मुगल आया करते थे, मुगल मतलब अपने देश के बाहर के लोग, बाबर वगैरह सब, इसलिए तो बाबरी मस्जिद गिराई। फिर अंग्रेज आ गए, 150 साल चले गए, जनरेशन पीढ़ियां चली गई, फिर भी लड़ते रहे और बाद में आखिर वो दिन आ गया, अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। अंग्रेज तो गए तो अभी अपने घर वाले अपने सर पर कहीं ना बैठे, क्योंकि कोई भी हो गुलामी तो गुलामी ही होती है। और अभी मुझे फिर से दोहराता हूं, मेरी भारत माता को दोबारा गुलाम मैं नहीं होने देना चाहता। आप क्या चाहते हो, आप गुलाम बनकर विकास का सपना देख सकते हो। गुलाम बनकर विकास का सपना क्या देखेंगे, वोट बोलेंगे तो उठना पड़ेगा, बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा, यही ये विकास आपको मंजूर है। कि आज जो आजादी के मतलब हम सब, हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर आया है कि 2024 में नहीं तो ट्रेन छूट गया, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में जाएगा।
और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अब साथ में आप आए हो, साथ में ही रहेंगे। भले कितनी करनी है कोशिश करने दो, लेकिन हमारी जो एकता है उसको हम टूटने फूटने नहीं देंगे, और मेरे भारत माता को हम आजाद ही रखेंगे, यही हम शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।